ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं आप सभी कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, आप लोग वीडियो को देखने का बाद जाकर डाउनलोड करना। एंड गाइस, इस वीडियो में ना गाइस मैं आपको 2-3 ऐप से मैं आपको ये फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा। तो गाइस, आपको क्या है कि आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। एंड गाइस, फेस रिटच से लेके आप सभी को गाइस कलर रिटच तक आपको मैं सब कुछ एकदम बताऊंगा, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना और कोई भी पार्ट स्किप मत करना, वरना गाइस आपको जो वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगी एंड आपकी जो फोटो है वो भी एडिट नहीं हो पाएगी। तो गाइस, आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलेगा, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस, आप लोगों को स्नैपसीड ऐप को ओपन करना है। एंड गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करके आपको अपनी फोटो को यहाँ पे ऐड करना है, जिसको आपको एडिट करना है जिस फोटो को। तो गाइस, मैं यहाँ पे पहले अपनी फोटो को ऐड कर देता हूँ। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन में। एंड गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम वाला साइज ले लेना है गाइस, ठीक है? तो 5.4 वाला। एंड उसके बाद आपको कुछ स्टेप से ऊपर की तरफ कुछ इतना मतलब जो साइज है यहाँ पे रख देना, आपको वाला पार्ट रखना है जो आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको जाना है पेंसिल वाला आइकन में। एंड उसके बाद आपको जाना है डिटेल में। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, जो इसकी जो ये जो वाला फर्स्ट वाला पार्ट है इसको आपको माइनस की तरफ ले जाना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इरेजर टूल में जाना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाना है। एंड उसके बाद आपको व्यू एडिट्स पे जाना है। एंड उसका डिटेल्स में जाकर आपको, और फिर उसके पेंसिल वाला आइकन में जाकर आपको क्या करना है, जो गाइस पीछे की तरफ आपको जो लाइनिंग्स वगैरह दिख रही है गाइस बैकड्रॉप की, आपको इसके ऊपर ऐसे करके फील करना, ताकि जो है हमारा बैकड्रॉप जो है हमारा एकदम वो वैसा लगे कि हाँ हमारे पीछे कोई वॉल है, ठीक है? तो वो दिखाने के लिए आपको ये करना है। तो आपको कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट कर लेना है अच्छे से। एंड गाइस, देखिए यहाँ पे जो है हमारे जो भी थे ये मतलब पार्ट वो लाइन्स वगैरह वो सारे गायब हो चुके हैं यहाँ से। तो आपको क्या करना है, आप गाइस यहाँ पे आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड इसको यहाँ पे कर देना है डन। एंड उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा बैक चलते हैं। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है अगेन पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है? एंड उसके बाद आपको जाना है हीलिंग पे, ठीक है? हीलिंग वाले ऑप्शन पे। तो क्योंकि ये गाइस इसलिए यूज़ करेंगे जो कि मतलब गाइस फेस पे जो मतलब कि पिंपल्स वगैरह होता है ना, इससे रिमूव करने के लिए। तो इससे क्या है कि एकदम अच्छे तरीके से रिमूव हो जाते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो अगर आपके फेस पे अगर पिंपल्स वगैरह हो तो आप रिमूव कर लेना, बट तो फिर भाई के फेस पे तो है नहीं इतने पिंपल्स, तो हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं करेंगे कुछ छेड़छाड़। तो अभी हम इसको यहाँ पे डन करते हैं। फिर उसके बाद आपको ये करना है गाइस, आपको जाना अगेन पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको गाइस पोर्ट्रेट वाला जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। एंड गाइस, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है मतलब ये वाला ऑप्शन है ना, जो गाइस फेस रिटच के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस, आपको स्किन स्मूथिंग पे जाना है। एंड उसके बाद आपको जो है इसको यहाँ पे 100 तक प्लस कर देना है। एंड गाइस, देख सकते हैं हमारे जो फेस है कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है। तो गाइस, हम इसमें दोबारा से जाएंगे, दोबारा से पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन में। एंड हम इसको दोबारा से करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको गाइस 2 सेकंड बार में जो है हम इसको ज़्यादा नहीं प्लस करेंगे, ठीक है? मतलब कि इसमें स्किन स्मूथिंग में जाएंगे, ज़्यादा प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में काफ़ी हो गया है। तो गाइस, देखिए कितना मस्त तरीके से हमारे जो मतलब मॉडल का फेस है वो कितना स्मूथ हो चुका है। तो मैं गाइस यहाँ पे आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। तो गाइस, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस, देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी फेस जो स्मूथ हो चुका है। तो गाइस, यहाँ तक तो हमारा जो था फेस के लिए था, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया है। अब आगे का जो प्रोसेस है वो हम बता मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फोटो को यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे फेस एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे फोटो को एक्सपोर्ट करेंगे। एंड इसको मैं यहाँ से लेके चलेंगे लाइट रूम ऐप में। पहले गाइस इसमें रिटच करेंगे, देन उसके बाद हम इसमें पीएनजी वगैरह लगाएंगे, जो कि हम लगाएंगे पिक्सआर्ट ऐप में, ठीक है? तो अभी हमने इसको फोटो को ऐड कर लिया यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में। हम यहाँ पे इसका कॉन्ट्रास्ट जो है इसको यहाँ पे थोड़ा कम करेंगे। एंड जो यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है आपको, उसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है प्लस कर देंगे। एंड जो शेडो है इसको इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? हल्का सा। एंड जो शेडो है इसको हल्का सा इंक्रीज करेंगे। एंड जो व्हाइट है, व्हाइट को हम थोड़ा सा यहाँ पे जो है यहाँ पे कम करेंगे, ताकि जो फोटो में जो व्हाइटनेस है ना वो कम रहे। एंड जो ब्लैक है हम इसको यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है? फिर इसके बाद जाएंगे हम ऐसे कलर्स में। हम यहाँ पे जो वाइब्रेशन दिख रही है आपको, यहाँ पे वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे। एंड उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है? जो टेम्परेचर है इसको यहाँ पे थोड़ा कम कर देंगे। एंड जाएंगे ऐसे कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारे फेस के लिए। तो हम इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करेंगे एंड ल्यूमिनस जो बढ़ा देंगे, ठीक है? फिर इतना हो जाने के बाद आपको करना, आपको यहाँ से येलो कलर लेना, इसका सैचुरेशन माइनस करना है। ग्रीन कलर लेना, इसका भी सैचुरेशन आपको माइनस करना है। फिर जाना आपको स्काई ब्लू वाले ऑप्शन में, इसका भी सैचुरेशन आपको माइनस करना है। एंड जाना डार्क ब्लू में, इसका भी सैचुरेशन माइनस कर देना है, ठीक है? फिर इतना कर देने के बाद आपको फिर ये करना, बाकी जितने भी कलर है सबका सैचुरेशन माइनस करना है। फिर इसके बाद गाइस आपको यहाँ से करना है, आपको कर देना डन। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको आपको जाना ऐसे गाइस कलर के नीचे वाले टूल में, इस वाले में। एंड यहाँ पे गाइस जो फोटो की क्लियरिटी है इसको इंक्रीज करना है। फोटो में जो विग्नेट है वो डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है? फोटो के अकॉर्डिंग डालना है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमें मिलेगा आपको ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ाना है। एंड गाइस इसके नीचे जाना आपको इस वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस को इंक्रीज करना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको नोइज रिडक्शन, ठीक है? नोइज रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ाना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा रिटच वगैरह भी हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जो है हम इस फोटो को यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी तो इसमें हमें जो पिक्सआर्ट में पीएनजी वगैरह लगाने वो तो हम पिक्सआर्ट में लगाएंगे ना, तो लाइट रूम में तो लगा नहीं सकते। तो अभी हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। एंड इसको लेकर चलते हैं हम पिक्सआर्ट ऐप में।
यहाँ पे इसको अभी हम सेव कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर सेव हो चुकी है, अब हमने पिक्सार में फोटो को ओपन कर दिया है। तो अब क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे हम पहले जाएंगे यहाँ से हम ऐड फोटो में, ठीक है, यहाँ से ऐड फोटो में जाएंगे। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज पहले हम ये लेंगे आई लेंस वाली पीएनजी, ठीक है, ये वाला। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको हम यहाँ से लेके चलेंगे, यहाँ से ब्लेंडिंग मोड बाद में छेड़ेंगे, पहले जाएंगे एडजस्ट में, फिर जाएंगे ह्यू में। हम इसको पहले करेंगे गाइज रेड कलर, ठीक है, क्योंकि जो हमारा रोज़ है वो भी रेड है ना, तो हम इसको रेड करेंगे। तो यहाँ पे रेड आपको मिल जाएगा गाइज अराउंड 22 तक में रख लेना है, वहाँ पे -22 में वहाँ पे आपको रेड कलर मिल जाएगा। तो अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं, इसको करते हैं स्क्रीन। एंड उसके बाद जो है मतलब कि दो हैं गाइज इसमें, तो हम पहले एक को ही रीज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है हमें परेशान ना करे, तो उसको रीज कर लेते हैं। एंड उसको डन करते हैं, अब उसके बाद हम इसको जूम करेंगे फोटो को, एंड इसको अपनी आई के पास कुछ इस टाइप से ऐसे यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो गाइज मतलब एकदम डेविल वाला लुक आ रहा है इस पीएनजी से, तो आप लोग भी ऐड करना अपनी फोटो में वाला पीएनजी बिल्कुल, ठीक है। तो इससे क्या है कि फोटो काफ़ी अच्छी लग रही है, तो गाइज देख सकते हैं हमारा जो तोकेर भाई कितना स्मार्ट लग रहा है, वैसे भी हैं तोकेर भाई तो स्मार्ट। तो अभी हम इसको यहाँ पे डन कर लेते हैं, ठीक है, तो इतना कर देते हैं। अब गाइज क्या करना है आप सभी को, अब इसमें कुछ गाइज पीएनजी ऐड करना है, तो उसके लिए करेंगे हम जाएंगे ऐड फोटो में, एंड यहाँ से गाइज हम ये पार्टिकल का पीएनजी ऐड करेंगे। सो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब इसके यहाँ जाएंगे हम ब्लेंडिंग मोड, एंड इसको करेंगे स्क्रीन। एंड इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पे गाइज जो पार्टिकल है ऊपर की तरफ गाइज एक लाइन टाइप की दिखी होगी आपको पार्टिकल में, तो उसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो रेजर टूल में जाएंगे, एंड कुछ भी हार्डनेस वगैरह कुछ नहीं छेड़नी है आपको, सिंपली इसको रिमूव कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे गाइज कर देना है डन। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइज आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलता हूँ सबसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।